हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी का जो नेवी डबल SSR का एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में, उसके जो फिजिक्स और देखिए सभी लोग आपको जो प्रोवाइड करा रहे हैं यूट्यूब पे, वो आपको GK के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं और इंग्लिश के करा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा मैथमेटिक्स और जो क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 30+ क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। कैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। और आज वीडियो आएगी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जबरदस्त क्वेश्चन की एक वीडियो। सो पहले यदि हम बात करें तो व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए फ्रेंड्स, डायमेंशन से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। दैट मीन्स आपका जो भी डायमेंशन की पूरी लिस्ट है ना, उसको एक बार जरूर फेरिएगा, जरूर याद कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, कोशिश हो सकेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। देखिए फ्रेंड्स, SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो दो क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाए, बट मैं आपको बता दूं वो ज़्यादा मतलब कि जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपके वो क्वेश्चन रहे होंगे कि मतलब जैसे कोई सरल लोलक है वो गति कर रहा है तो किस पॉइंट पर जो आपका मैक्सिमम त्वरण होगा, एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा, या फिर आपकी जो गति ऊर्जा है वो मैक्सिमम होगी, जीरो होगी। ये सभी क्वेश्चन हैं जो बहुत पूछे जाते हैं SHM से। देखिए, एक न्यूज़ मुझे और देखने को मिली है कि जो आपके फिजिक्स के क्वेश्चन है वो पूरे 25 नहीं आ रहे, 18 से लेकर 19 तक या 17 क्वेश्चन फिजिक्स के आ रहे हैं, बाकी आपके केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी वहां पर क्वेश्चन 7 से लेकर 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कई स्टूडेंट्स से मुझे रिव्यू मिला है, तो कोई यदि आपके दोस्त का हुआ हो या आपका खुद का हुआ तो ये चीज़ मुझे कंफर्म करके बताना कि क्या प्योर केमिस्ट्री फिजिक्स आ रही है या फिर उसके साथ कुछ और भी आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्टूडेंट्स ने ये बोला कि वेव से 3 से 4 क्वेश्चन आए, तो वेव वाले जो क्वेश्चन है वो आप जरूर कर लेना, तरंग वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेव वाले यहाँ से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्टुअल दोनों तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके पूछे गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो आपके किरचॉफ लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको फ्रेंड्स किरचॉफ का जो लॉ है वो आपको कर लेने हैं। ठीक है, इनके अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट आप क्लियर कर लीजिए। कैपलर्स के आप तीनों लॉ है कर लीजिए, अभी तक तो नहीं आया लेकिन वहाँ से आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए एक आपका समान द्विध्रुव यानी डाइपोल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जो आपके 12th क्लास में 1st-2nd चैप्टर हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए उसके बाद फ्रिक्वेंसी का आपसे मात्रक पूछ लिया गया, तो मैंने आपसे बोला कि मात्रक और विमा के एक या दो क्वेश्चन भी आपके पूछे जा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा रखे हैं सभी के, और भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपसे पूछ लिया, उसके बाद मैग्नेटिक से दो क्वेश्चन, देखिए मैग्नेटिक से दो क्वेश्चन और उनमें से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल और एक आपका कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी से एक न्यूमेरिकल या फिर एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, दोनों में से किसी एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया है, तो यहां से वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर को एक बार अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको, ठीक है, जो मेरी सीरीज चल रही थी उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि ए किसी सवाल को करने की प्रायिकता 90% है और बी की 70% है, तो उसकी सॉल्व करने की प्रायिकता उस क्वेश्चन को क्या होगी, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसके ना होने की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 10%। कितनी हो जाएगी? 10%, दैट मीन्स 1/10। ठीक है, और इसकी ना करने की कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी 3/10। कितनी हो जाएगी? 3/10। इसको एक में से आप घटा दीजिएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि उसकी क्वेश्चन की करने की प्रोबेबिलिटी वहां पर आपकी निकल आएगी। प्लैंक कांस्टेंट की विमा आपसे पूछे फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्लैंक कांस्टेंट का मात्रक आना चाहिए, ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है 6.62 × 10⁻³⁴ जूल, इसका जो वो है आपको कंप्लीट आना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो आप डायमेंशन है इसके मात्रक से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो हम स्टेशनरी वेव से क्वेश्चन पूछा गया, अप्रगामी तरंग, ठीक है फ्रेंड्स, अप्रगामी तरंग। उसके बाद मोशन से आपका न्यूमेरिकल पूछा गया, तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ क्वेश्चन है जो मुझे फिजिक्स के मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आए हैं, तो देखिएगा जो मैंने आपको क्वेश्चन करा रखे ना उनमें से कई क्वेश्चन देखने को मिले, और आज मैं आपको 100 क्वेश्चन का PDF दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका यहाँ से हम बात करें, एक समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ था,
एक ऐसे समांतर चतुर्भुज आपको दिया हुआ है और उसके आपको तीन ये पॉइंट्स है वो दिए हुए हैं, तो चौथा पॉइंट आपसे पूछा है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लेना, इसके मिड पॉइंट से आप इसकी और इसकी वो निकाल लेंगे, तो यहाँ से आप इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू वन लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो कराए थे मैथ्स के सभी फॉर्मूले, उसके अंदर मैंने जो चीज़ें आपको बताई थी उसमें मैंने आपसे बोला था कि डी एल हॉस्पिटल और ई की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला जो फॉर्मूला है वो उससे बाहर आपका जो लिमिट का क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा, तो वहीं से आपका आयात क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। ओके गाइज, सो उम्मीद करता हूँ कि यार ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट आपका देखिए इंटीग्रेशन से फ्रेंड्स दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और आपके डिफरेंशिएशन से भी दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कैसे कैसे देखने को मिल रहे हैं, देखिए डी अपॉन डी एक्स कोट इनवर्स एक्स क्या होता है फ्रेंड्स, कोट इनवर्स रूट एक्स, इसका आपको क्या करना है अवकलन कर लेना है। तो इजीली आप कर सकते हैं, सबसे पहले आपको अंडर रूट एक्स का कर लेना है, रूट एक्स का करने के बाद जब आप इसका कर लेंगे उसके बाद आपको कॉस इनवर्स एक्स का करना है, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स का करेंगे आप, उसके बाद आपको रूट एक्स का करना है, उल्टा बोल दिया मैंने। उसके बाद आपको एक सीरीज दी हुई थी 2, 4, 8, 16, 32, इसका आपको ज्योमेट्रिक मीन बताना था। यदि फ्रेंड्स आप सभी को ज्योमेट्रिक मीन के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ज्योमेट्रिक मीन किसी भी सीरीज का निकालते हैं तो उसके लिए हम करते हैं अंडर रूट फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, यानी कि 32 इनटू 2। ऐसे इसका क्या निकाला जाता है फ्रेंड्स, इसका निकाला जाता है ज्योमेट्रिक मीन, यानी 32 दूनी 64, 64 को जब अंडर रूट से बाहर निकालोगे 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दीजिए, आपके दोस्तों ने आपके भाइयों ने क्वेश्चन मुझे शेयर किए हैं जो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, आपका एग्जाम हो तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, राइट, ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन था 0 से लेकर 1 आपको लिमिट दी हुई है कॉस 2x अपॉन कॉस x, एज इट इज़ ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, ठीक है, और आज भी मैं आपको कराऊंगा, तब आप देख लेना। वो क्वेश्चन मैंने पहले से लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि मैं उन्हें आज लिख रहा हूँ, नहीं, पहले से लिखे हुए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको ज़रूर देखेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका कर सकते हैं, कोई भी इसके अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए रूट एक्स माइनस रूट वाई की पावर 17 में आपको 14th टर्म बताना है, एज इट इज़ क्वेश्चन आप मेरी जो मैथ्स के क्वेश्चन है नेवी डबल SSR के लिए उसका पार्ट 3 या 4 देखिए, 5 पार्ट इसके अंदर आपको जरूर 100% ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, और मैंने उस दिन भी बोला था कि आप ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बायनोमियल से जो मैंने क्वेश्चन कराया उनसे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ, ठीक है। 1 - 1 + iota √3 की पावर 48 ये क्वेश्चन मेरे को बताया गया था, तो सबसे पहले आपको इसको कर लेना होगा फ्रेंड्स, किसमें, ओमेगा में, ओमेगा के अंदर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा, इसका जो पावर निकालोगे तो आपकी पावर है वो निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सूट ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे मैनेज कर सकते हैं, जैसे भी आपको ऑप्शन दिया हो। अब जैसे जैसे मुझे स्टूडेंट्स बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। 10-15 की वैल्यू आपसे पूछी, देखिए 10-15 की वैल्यू शायद उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बताया कि 10-15 प्लस में आपका कोट 75, ऐसा क्वेश्चन कुछ पूछा गया था, तो इस टाइप से, या फिर कोट 10-15 डिग्री की डायरेक्ट वैल्यू भी आपसे पूछ ली गई होगी, तो ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत आप याद कीजिएगा, जैसे 10-22 डिग्री की वैल्यू, साइन 22.5 डिग्री की डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, ठीक है। मैंने अपने जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर इनको इंक्लूड किया हुआ है, आप देखना, अनअकैडमी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, अनअकैडमी वाले भी देख लिए तो भी वहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यदि नहीं देखें तो अनअकैडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज़रूर देखेगा। डी अपॉन डी एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स, तो लॉग ऑफ सेक एक्स का आप कर दीजिए, लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, और 1/x का यहाँ पर देखिए 1/x की जगह क्या है, सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और आपका एक बार ये कट जाएगा, ठीक है। सेक एक्स से सेक एक्स कैंसिल, दैट मीन्स 10x इज द राइट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। अब देखिए मैं ही नहीं कह रहा कि बिल्कुल एग्जाम ईजी आ रहा है, बट एग्जाम एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बहुत अच्छा आ रहा है, फिजिक्स की तुलना में काफ़ी अच्छा एग्जाम देखने को मिल रहा है, मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, यदि आपकी अच्छी तैयारी तो 15 प्लस कर सकते हो, और भी अच्छी तो 20 प्लस आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम कोस -300 डिग्री,
कैसे आपकी इस वैल्यू पूछी है, तो यार ये भी आप कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। कोस 360 माइनस 3 डिग्री कर दीजिए और उससे आप इजीली से निकाल पाओगे। डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स से तीन क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट के अंदर देखने को मिले थे। एक क्वेश्चन आपकी जो हाइपरबोला है उसकी एसेंट्रिसिटी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया था फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिमिट जीरो से लेकर दो तक है एक्स स्क्वायर का, आपको इंटीग्रेशन करना है। सो फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन है आपके पूछे गए हैं नेवी SSR एग्जामिनेशन के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। और ऐसे क्वेश्चन आपको पाने प्रीवियस ईयर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, तो जुड़ जाइए चैनल से, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।